तो आप लोगों ने दर्शन किए, आप लोगों ने देखा कि एक ऐसा सूफियाना अंदाज जो शायद आपको पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। हाजी वारिस अली शाह की इस दरगाह पर जो सुकून, जो आत्मीय सुकून आपको मिलेगा, वो यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि इस प्रकार का सुकून उन्हें पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। पूरे भारत का एकमात्र ये अकेला ऐसा स्थान है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम आस्था का जो संदेश जाता है, जो सांप्रदायिक सद्भावना का एक संदेश जाता है, वो पूरी दुनिया में मिसाल बनता है। बाराबंकी की अगर बात करें तो बाराबंकी में प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन किया जाता था, लेकिन पिछले 2 वर्षों से कोरोना जैसी विभीषिका के कारण यहाँ पर मेले का आयोजन नहीं हो पाया था। आयोजन न होने से जितना जायरीन परेशान थे, उतना ही यहाँ के स्थानीय दुकानदार, छोटे दुकानदार परेशान थे। देवा मेला की अगर बात करें तो देवा मेला एक पर्यटन स्थान की तरह विकसित हो चुका है और यहाँ पर तमाम छोटी पटरी दुकानदारी व्यवस्था जो है वो काफी ज्यादा अर्थव्यवस्था पर आधारित रहती है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पिछले 2 बार से मेला नहीं लगा, उस कारण से यहाँ पर दुकानदारों की रोजी रोटी का संकट भी सामने आ गया था। लेकिन इस बार जो सफर का मेला शुरू हुआ है, कार्तिक के मेले के पहले का जो ये सफर का मेला होता है, उसमें जिस तरह से जायरीनों की भीड़ बाहर से आ रही है और जिस तरह से यहाँ पर कहना यह भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जिस प्रकार से कोरोना पर भारत सरकार के प्रयासों के कारण रोक लग सकी है, उसके बाद से अब लोगों को आना जाना शुरू हो गया है। लोगों का विश्वास है, उनका मत है कि इस बार जो यहाँ का मेला होने जा रहा है वो वास्तव में अभूतपूर्व होने जा रहा है और बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। लोगों की मंशा है कि इस बार सरकार वारिस पाक की पूरी तरीके से, या मानना है उनकी यह प्रबल इच्छा है कि इस बार यह मेला भव्य तरीके से आयोजित हो। जैसा कि हमने आपको इस स्थान के बारे में बताया था कि यहाँ पर होली भी होती है, दीपावली भी होती है, ईद भी होती है, नवरात्रि भी होती है। होली कमेटी के अध्यक्ष महोदय हमारे साथ हैं, इस वक्त हम उनसे बात करेंगे। यहाँ पर आप हर वर्ष होली का आयोजन कराते हैं, कितना अच्छा माहौल जाता है, पूरी दुनिया में कैसे एक संदेश जाता है? देवा शरीफ वो मुकाम है जिस मुकाम पर हिंदू मुस्लिम मिल करके होली भी खेलते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, ईद भी हिंदू भाई आपस में मिलते हैं मुसलमान भाइयों से, और यहाँ पर एक ऐसा माहौल होता है जिसको आप गंगा जमनी तहजीब के नाम से सुनते होंगे, वो देखने को देवा शरीफ में मिलता है। आपने भी अनुभव किया होगा। 2 वर्षों से यहाँ पर मेला नहीं हो पा रहा था कोविड के कारण, इस बार कैसा उल्लास लग रहा है? अभी हाल ही में सफर का मेला यहाँ पर हुआ है और उसका कैसा उल्लास लग रहा है लोगों में? मेले के उल्लास के बारे में एक कहावत कह दें आपसे कि अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। बिल्कुल सही बात है। हम लोग चाहे मुकामी लोग हों या जो बैरूनी लोग हैं जो बाहर से मेला करने आते हैं, बाबा के मेले में शिरकत करने आते हैं, उनके लिए 2 साल के बाद ये मेला जो है वो ईद, होली, दिवाली की तरह है। प्रशासन ने भी इसके लिए तैयारी कर रखी है। बाराबंकी के जिला अधिकारी डॉक्टर आदर सिंह, पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने बाकायदा इसके लिए इंतजाम कर रखे हैं और लगातार सभी विभागों को ये निर्देश दिए जा चुके हैं कि यहाँ पर साफ सफाई व्यवस्था एवं अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त कर लिया जाए। यहाँ पर जिस तरह से जायरीनों की भीड़ अभी से आना शुरू हो गई है, ये कहीं ना कहीं माहौल बता रहा है कि इस बार बाराबंकी का इस सरजमी पर लगने वाला देवा मेला पूरी दुनिया में अपना इकबाल एक बार फिर से बुलंद करने जा रहा है। जनपद बाराबंकी से द कैमरा 1999 के लिए फराज के साथ मैं नितेश मिश्रा।